गणेश चतुर्थी वाले दिन माँ ने गणपति की मूर्ति लाने का फैसला किया है और मैं चाहती हूं कि तुम वहां आओ। अभय, जो आशीर्वाद तुमने मुझे दिया है उसे पूरा करने के लिए मैं और तरुण गणेश जी की पूजा करेंगे। उसी तरह तुम्हें और शीतल को भी गणेश जी की पूजा करनी होगी ताकि तुम्हें उनका आशीर्वाद मिले और तुम दोनों साथ साथ रहो। आओगे ना भाई? कराई आपकी बहू आपके दामाद को इनवाइट गणेश पूजा के लिए? हाँ करे। तुम यही जानने के लिए आई हो ना कि अभय ने क्या कहा, कि वो आएगा कि नहीं आएगा? नहीं नहीं माँ, आपने मुझे ठीक से सुना नहीं। मैंने पूछा कराई मतलब वापस आ गई या फिर वहीं रह गई? शीतल क्यों, इसमें कौन सी नई बात है माँ? पहले भी तो वो वहां रह चुकी है। ओह आई सी, तब उसकी शादी नहीं हुई थी ना? अब उसका पति है, उसकी सास है, उन्हें कुछ तो जवाब देना पड़ेगा ना। और अगर उसकी सास और उसका पति से कुछ पूछे या ना पूछे, लेकिन उसकी ये ननन तो है पूछने के लिए। वो कहां गई थी, किससे मिलने गई थी, अब तक लौटी या नहीं? ये सवाल, ये शक के तूफान तुम्हारे दिमाग में आते भी नहीं शीतल, अगर तुम अपने पति के साथ उसके घर में रह रही होती। ये शक बेबुनियाद नहीं है मां, आप सिर्फ वही तस्वीर देख रही हैं जो आपको दिखाई जा रही है। जब असली तस्वीर आपकी आंखों के सामने आएगी ना, तब आप देखती रह जाएंगी। फैंटास्टिक, बहुत खूब, बहुत अच्छा आर्टिकल लिखा है तुमने तरुण सिंघानिया पे, रियली वेरी वेरी गुड। और तरुण की तस्वीर वो हाँ छपी है ना? What a handsome boy! अपने बेटे की तस्वीर को देखकर, उसका आर्टिकल पढ़कर कितना प्राउड फील करेगी तरुण की माँ। आप कहें तो कॉपी भेज दूँ मिसेस सिंघानिया को। मिसेस सिंघानी? मिस्टर तरुण सिंघानिया की मदर को। नो नो, मैं रोहिणी की बात नहीं कर रहा था। एक माँ अपने बेटे से कितना प्यार करती है ये तो तब पता चलेगा जब तरुण सिंघानिया की माँ वो एड फिल्म देखेगी। करुणा की पूरी फाइल में कहीं भी किसी तरुण नाम की आदमी का मेंशन नहीं है। आर यू श्योर कि ये करुणा के पूरे पेपर्स हैं? हाँ मैडम, ये पूरे पेपर हैं। ये है पागलखाने की रिपोर्ट। यहाँ उसे बच्चे के किडनैप करने के इल्जाम में पागल साबित करने के बाद एडमिट किया गया था। और यह है पागलखाने की डिस्चार्ज रिपोर्ट। यहाँ ये सर्टिफाई किया गया है कि अब वो दिमागी तौर पर बिल्कुल ठीक है। दिमागी तौर पर उसके दिल का क्या? उसका सही इलाज वही है जिसका उसे इंतजार है। उसका बेटा तरुण, जिसको देखने के लिए उसके प्राण अटके हुए हैं, लेकिन हम उसके नाम के सिवा कुछ नहीं जानते। मैटर्न, मुझे लगता है वक्त बहुत कम है। कल स्पेशल डॉक्टर्स आ रहे हैं ना मेंबर्स का चेकअप करने? जी हाँ, कल मंडे है ना, कल शाम 7 बजे से लेकर। देखो सब मेंबर्स को याद दिला देना कि हॉल में इकट्ठा हो जाएं। बारी बारी से सबका चेकअप होता रहेगा और जो फ्री होंगे वो टीवी देखते रहेंगे। वो तो ठीक है, लेकिन करुणा जी ने तो नाम लिखाया ही नहीं। You don't worry, उन्हें मैं ले आऊंगी। रवि,
ऑफिस जा रहे हो? हाँ। आज भी देर से आओगे? शायद। मुझे तुमसे एक जरूरी बात कहनी थी। कहो। दर्पण की आर्ट फिल्म के बारे में। मैं सुन रहा हूं मीरा। आज उस फिल्म का टेलीकास्ट है ना? हाँ। तो ऑफिस में सब लोग बहुत खुश होंगे, तुम, तरुण और सुनीति। तो मैं सोच रही थी कि क्यों ना हम सब यहां बैठकर एक साथ उस फिल्म का पहला टेलीकास्ट देखें। नहीं, क्योंकि मैं सुनीति से कुछ छुपा नहीं सकता, और मैं ये नहीं चाहता कि वो जान जाए कि वो फिल्म किसने और क्यों चुराई थी। तो क्या तुमने अभी तक सुनीति से कुछ नहीं कहा? और यही कोशिश करूंगा कि कहूं भी नहीं, लेकिन अगर तुम वहां होगी और सुनीति भी वहां होगी और वही एड फिल्म अगर सामने चल रही होगी, तो यकीनन सुनीति को मेरा चेहरा देखते ही पता चल जाएगा कि मैं उसे कुछ छुपा रहा हूं, और उस वक्त मैं उसे झूठ नहीं बोल पाऊंगा। लेकिन कब तक? जिंदगी भर मीरा। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो सिर्फ पति और पत्नी के बीच में रहती है मीरा, अच्छे से अच्छे दोस्त से भी नहीं कही जाती, और इसी से पति और पत्नी अच्छे दोस्त बन पाते हैं। क्या तुम अपने इस दोस्त को माफ कर सकते हो? दोस्ती में एक और बात होती है, दोस्त कभी एक दूसरे से माफी नहीं मांगते। रवि, मेरा, मैं जानता हूं तुम्हें बहुत अफसोस हो रहा है, बहुत पछतावा हो रहा है अपने किए पर। अब तक तो तुम ईर्ष्या की आग में चल रही थी, लेकिन अब तुम्हारी रूह पश्चाताप की आग में चल रही है। मीरा, जानती हो जिस्म तो एक दिन चलकर मिट्टी का ढेला बन जाता है, लेकिन जब रूह जलती है ना, जब आत्मा जलती है, तब वो कुंदन उछलती है। रवि, मुझे एक छोटा रवि चाहिए। क्या मेरा? मेरा, I love you. I love you too. Fine, मैंने सब डिसाइड कर लिया, everything is set, कि हम लोग सब साथ मिलकर फिल्म का टेलीकास्ट देखेंगे। अच्छा, ये सब मतलब? सब मतलब मैं, सुमन, सुनीता, रवि, तरुण, मीरा और चलो तुम भी इंक्लूडेड हो यार। थैंक यू वेरी मच, आई एम सो ऑब्लाइज्ड। वेरी गुड, देन एवरीथिंग इज फाइन। मेरे ऑफिस में बैठकर फिल्म का पहला टेलीकास्ट देखेंगे हम लोग सब। लेकिन जतिन, तुमने सबसे बात कर ली? नहीं, बात तो नहीं की। रवि हाँ जरूर करेगा, और मीरा के तो ना करने का सवाल ही पैदा नहीं होता, वो तो जरूर आएगी। क्या सुनीति और तरुण ने भी हाँ कर दी? नहीं, हाँ की नहीं है, अभी बात नहीं किया उनसे, बस बात करने की देर है, वो लोग भी हाँ कर देंगे। इसका मतलब तुमने अब तक किसी से बात नहीं की है। तो क्या फर्क पड़ता है यार? अच्छा, तुमने सब कुछ खुद ही डिसाइड कर लिया, ये अज्यूम कर लिया कि सब लोग तुम्हारी बात मान लेंगे, क्यों? अरे तो कोई ना करेगा ही क्यों दीपक? देखो, सबको एडम देखनी है ना, तो सब साथ मिलकर देखेंगे, मजा आएगा यार, एंजॉय करेंगे। किसे? क्या किसे मजा आएगा? सबको आएगा। बिल्कुल नहीं, मुझे कोई शौक नहीं है कि अपनी अच्छी भली शाम का सत्यानाश करूं तुम्हारी बकबक सुनकर। ठीक है, उसका इलाज भी है मेरे पास, मैं तुम्हें कॉटन बट से दूंगा, अपने कान में डाल लेना, और कोई जरूरत नहीं ये सुनने की कि मैं सुमन से क्या बात कर रहा हूं। जतिन, मैं वहां होंगी ही नहीं, तो तुम मुझसे कैसे बातें करोगे? क्या मतलब? ओह, मतलब अगर आपके पतिदेव नहीं आएंगे तो आप भी नहीं आएगी, है ना? नहीं नहीं, तुम जाओ ना, तुम्हें तो बहुत अच्छी लगती है इसकी कंपनी, बहुत मजा आता है इसकी बकवास सुनकर। ओ हेलो, मैं बकवास नहीं करता हूं, ठीक है, मैं सिर्फ सुमन की तारीफ करता हूं, और अपनी तारीफ सुना किसी भी औरत को बुरा नहीं लगता। यू डोंट बिलीव मी? अभी प्रूफ करके दिखाता हूं। सुमन, तुम कितनी खूबसूरत हो, तुम्हारी जितनी खूबसूरत औरत मैंने आज तक नहीं देखी।
कितनी सच्चाई है तुम्हारी आंखों में, तुम्हारी सांसों की महक से मेरा पूरा संसार खेल उठता है सुमन। इन होठों से निकले एक एक शब्द की कसम खाने को जी जाता है। तुम्हारा ये रूप रंग जैसे जैसे किसी के छूने से भी मैली हो जाओगी तुम। जतिन, जतिन तुम जाओ यहां से। तुम कल आओगी ना सुमन? जतिन नहीं, तुम जाओ यहां से। सुमन मैं, जतिन प्लीज गो, मैं इंतजार करूंगा। प्लीज जस्ट गो। टीवी एडजस्ट कर रहे हैं लुथरा साहब। आ वैद, कम इन कम इन, आओ भाई आओ। कैसे हो आप? ये नहीं पूछेंगे कि मैं लॉकअप से कब छूटा? लॉकअप? तुम लॉकअप में थे? नहीं, मुझे नहीं मालूम था। क्या किया था तुमने? इतने भोले मत बनिए लुथरा साहब, आप ही की करनी की वजह से मुझे गिरफ्तार होना पड़ा, और अब आप ही पूछ रहे हैं कि मैंने किया क्या था। मेरी करनी की वजह से? मैंने क्या किया? क्या आपने वो फिल्म की कॉपी मेरे बैग में नहीं रखी थी? फिल्म की कॉपी? कौन सी फिल्म की कॉपी? दर्पण के एड फिल्म की कॉपी, वो कॉपी जो मैंने आपको लाकर दी थी। मुझे दी थी? मैं उससे क्या करता भला? मैं तो आज पहली बार वो एड फिल्म टीवी पे देखने वाला हूँ, जैसे बाकी लोग देखने वाले। आज से टेलीकास्ट शुरू हुआ, तुम जानते हो ना? हाँ जानता हूँ, और ये भी जानता हूँ कि वो टेलीकास्ट आपके लिए कितना ज़रूरी है, लेकिन सुनीति सिंघानिया इस बात को नहीं जानती। शायद तुम मुझे धमकी देने की कोशिश कर रहे हो। कोशिश नहीं, धमकी दे रहा हूं। मैं भी देखता हूं कि आप दर्पण को कैसे खरीद। एक मामूली अकाउंटेंट मेरे बरसों पुराने सपने को पूरा होने से रोक नहीं सकता। बोलो कितने पैसे लोगे? बोलो। पहले मैं ये तो देख लूं कि आखिर उस फिल्म में है क्या जो उसके टेलीकास्ट के बाद दर्पण के बिकने की नौबत आ जाएगी। जतिन ने? नहीं तो वो मुझे यहाँ क्यों भेजने लगा? मैं तो खुद ही आपसे मिलने आई हूँ। तो उसने तुम्हें कुछ नहीं बताया? किस बारे में? दर्पण की एड फिल्म के बारे में। दर्पण की एड फिल्म? हाँ, जो कल टेलीकास्ट होने वाली है। हाँ तो? वो कह रहा था कि हम सब साथ बैठ के उसका टेलीकास्ट देखेंगे उसके ऑफिस में। अच्छा। और आपने इनकार कर दिया? तुम्हें कैसे पता? तभी तो उसने किसी को फोन ही नहीं किया, प्रोग्राम ही कैंसिल कर दिया। हीरा, तुम्हें नहीं लगता ये जतिन थोड़ा पागल है? सुमन दीदी, जतिन थोड़ा पागल नहीं है, पूरा पागल है। और दिन ब दिन ज्यादा पागल होता जा रहा है। इसलिए मेरे ख्याल से हम सबको अपने अपने घर में बैठ के टेलीकास्ट देखना चाहिए। इनफैक्ट रवि भी यही चाहता है। रवि, ओ माय गॉड, मैं चलती हूँ। रवि ने कहा था कि आज वो जल्दी घर आएगा, और अगर उसके घर आने से पहले मैं नहीं पहुंची ना तो बहुत नाराज हो जाएगा। आजकल बड़ा ख्याल रखा जा रहा है अपने पति के नाराजगी का, उसकी खुशी का। क्यों नहीं, वो भी तो मेरा इतना ख्याल रखता है। इसका मतलब है वो बहुत जल्दी आने वाला है जिसका तुम दोनों ख्याल रखने वाले हो। हाँ, लेकिन आपको कैसे पता चला? क्या मीरा, तुम प्रेग्नेंट हो? लेकिन हम दोनों ने डिसाइड कर लिया है कि हम बहुत जल्द अपनी फैमिली शुरू करेंगे। अच्छा अच्छा, तभी आजकल रवि ऑफिस से जल्दी घर आ जाता है। दीदी टू मच। चलिए मैं चलती हूँ, वरना वो पहुंच जाएगा घर पर। ओके बाय बाय। अकेले बैठ के टीवी देखो, ये भी कोई बात हुई? आई रिफ्यूज,
मैं अकेले बैठ के फिल्म का टेलीकास्ट नहीं देखूंगा। जैसे फिल्म शुरू होगी ना, मैं चैनल चेंज कर दूंगा। अरे नहीं यार, रवि बोल रहा था कि जब भी फिल्म टेलीकास्ट होगी सभी चैनल पे एक साथ टेलीकास्ट होगी, ताकि कोई उसे मिस ना कर सके। हर टेलीविजन सेट पे बस दर्पण की एडवर्टाइजमेंट दिखाई जाए। सुमन जल्दी आओ, अरे 7 बजने वाले हैं। सुमन ये मैन। हाय बाबा। तुम रो तो क्या है? मेरे मतलब तुम जल्दी आओ, तुम्हारी फिल्म आने वाली है। तो थोड़ी एग्जैक्टली 7 बजे शुरू होगी, 7 और 10 के बीच कभी भी दिखाई जाएगी। मैं अभी आती हूँ 2 मिनट में। अमिताभ बच्चन। कृष्णा 7 बज गए, जाकर तरुण और सुनीति से कहो मैं उनका इंतजार कर रही हूँ। जी मैम सर। शीतल, तुम हम सब के साथ दर्पण की आज फिल्म देख रही हो। कम से कम मुझे ये तो पता चल जाएगा कि उस फिल्म में ऐसा है क्या जो तुम दावे के साथ कहती फिरती हो कि फिल्म के टेलीकास्ट होने के बाद तुम मुझे बर्बाद कर दोगे। पहले फिल्म तो टेलीकास्ट हो जाने दो सुनीति। Sunny Deol for Qatar, एक प्रेम कथा। ये मुसलमानी है, मुसलमानी। बैठो करो ना। लॉबी होगी सहेली। मेरा तरुण आएगा, वो जरूर आएगा। हाँ वो जरूर आएगा, मेरा बेटा आएगा, वो जरूर आएगा, आएगा मेरा तरुण, जरूर आएगा मेरा बेटा आएगा, जरूर आएगा।